गुड मॉर्निंग, वॉइस ऑडिबल। हेलो, वॉइस ऑडिबल है क्या? ठीक है। चलो, तो कल ये मैंने कल एक सिंपल सा काम दिया था, कैलकुलेट द डेल्टा एन जी। तो ये किया क्या? डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने वाला जो मैंने काम दिया था, हुआ क्या? यस, तो बताओ भाई, फटाफट से बताओ, इसमें डेल्टा एन जी कितना होगा? हाफ प्लस 3/2 -1। डेल्टा एन जी कितना आएगा इसमें? मैच करो, पहले में डेल्टा एन जी कितना आएगा? पहले वाले में डेल्टा एन जी आएगा हाफ प्लस 3/2 -1। कितना आएगा? प्लस 1 आएगा। यस और नॉट? सेकेंड वाला देखो जरा, डेल्टा एन जी कितना है? एक ही गैस है ना, सॉलिड को तो इंक्लूड करते नहीं है डेल्टा एन जी के एक्सप्रेशन में। सॉलिड को इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं करते ना डेल्टा एन जी के एक्सप्रेशन में। सॉलिड को इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं करते हैं। यस, कल ही बताया था, वी डू नॉट इंक्लूड सॉलिड इन द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा एन जी। इसका डेल्टा एन जी क्या होगा? 1 + 0 - 0। कितना आएगा? +1 आएगा। मैच करो, दिस इज ओनली सीओ टू गैस, सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये भी सॉलिड, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। यस, तो क्या लिया जाएगा? ओनली +1। यस, फिर उसके बाद अगला डेल्टा एन जी कैसे होगा? कितना हो गया? 2 + 1 - 2। कितना हो गया? +1, राइट? अगला डेल्टा एन जी क्या होगा? N2 + O2 गिव्स 2NO। इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा? 2 - 1 - 1। कितना आ गया? 0 आ गया। यस नॉट? इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा? ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। यस, सॉलिड है, काउंट नहीं होगा। 0 - कितना हो गया? अमोनिया प्लस Cl2। अमोनिया प्लस HCl, सॉरी, सही, अमोनिया प्लस HCl होगा, मैंने गलती से लिख दिया, सही कर लो इसको। अमोनिया प्लस HCl होगा, इट शुड बी अमोनिया प्लस HCl, सही कर लो, इट शुड बी अमोनिया प्लस HCl। तो अमोनिया कितना हो गया? 1। HCl कितना हो गया? 1। 1 + 1, तो कितना आ गया? ये आ गया -2। यस, इसमें बताओ डेल्टा एन जी कितना? ये हो गया CO2, ये सही किया क्या? ये HCl होगा, Cl2 नहीं होगा, करेक्शन किया, करेक्शन किया, ठीक। तो ये हो गया 0 - 1 + 1, कितना हो गया? ये हो गया -2। ये डेल्टा एन जी इज इक्वल टू कितना हो गया? CO2 गैस, ये होगा 1 + 0, ये लिक्विड है, लिक्विड काउंट नहीं होगा, माइनस कितना? 1 + 2। यस, कितना आ गया? -2 आ गया। आया कि नहीं आया? आया, एफ आया, -2। यस, फिर बताओ, ये बताओ, इसमें बोलो डेल्टा एन जी कितना है? CO2, ये प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट है, कितना होगा? CO2 1 + 2 माइनस कितना हो गया? 1 + 2 है कि नहीं? ये कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं आया? आया ना, राइट। उसी तरह से पे चेंज करूं, पे चेंज करूं क्या? उसी तरह से यहां पे देखो, ये बताओ डेल्टा एन जी कितना, ये हो गया 2 माइनस, ये हो गया 1 प्लस 0, कितना आ गया? प्लस 1 आ गया। इसमें बोलो डेल्टा एन जी कितना, ये हो गया 8, गैस सही है, ध्यान रख। माइनस इसका 0 हो जाएगा, प्लस इसका 8 हो जाएगा। यस, ये 0 हो गया। इसका बोलो डेल्टा एन जी कितना आ गया, ये हो गया 1 माइनस कितना, 1 प्लस हाफ, कितना आ गया, ये माइनस हाफ आ गया। आया कि नहीं आया? क्लियर? समझ में आ गया? डेल्टा एन जी कैसे निकालना है, क्या करना है, समझ में आया? डाउट है किसी को? डाउट हो तो बताओ। आगे ना समझ में कि हमें डेल्टा एन जी कैसे निकालना है? क्लियर हुई सारी बातें? लास्ट का माइनस हाफ है यार, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो ना, माइनस हाफ। ठीक है, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पे जहां पे रोका था हमने, यहीं से आगे बढ़ेंगे। K3 जो लिखा था, फ्री एक्सरसाइज हो गया, फिर यहीं से आगे बढ़ा जाएगा। अजम्पशन लिख लेते हैं पहले, कुछ अजम्पशंस लिख लेते हैं। अजम्पशंस, ऑल गैसेस आर अज्यूम टू बी आइडियल, ऑल गैसेस आर अज्यूम टू बी आइडियल, यस। सेकेंड, नाइट्रोजन गैस इन द मिक्सचर विल नॉट रिएक्ट विथ एनी गैस, मिक्सचर में नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करेगा। नाइट्रोजन गैस इन द मिक्सचर विल नॉट रिएक्ट विथ एनी गैस, यस। मिक्सचर में जो नाइट्रोजन गैस है वो किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ गैस। यस, ठीक है, राइट। अब उसके बाद क्वेश्चन से जाने से पहले मैं तुमको 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बताता हूं जो कि जनरली यूज होता है या फिर यूज होगा। हुआ हुआ क्या? राइट, चलो नाउ राइट डाउन।
जनरलाइजेशन, जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हाइड्रोकार्बन नहीं लिख रहा हूं, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं, समझे क्या? जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं। हाइड्रोकार्बन तो एक कैटेगरी है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से केस वन व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, यस, दैट इज हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, दैट इज हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यस नॉट राइट? व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, दैट इज इट हैज गॉट कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, राइट? तो ये तो तुम्हें पता ही है, एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, राइट? ये मगर ये तो पता तो है नहीं, यस नॉट? पेज चेंज करूं, पेज चेंज करूं क्या? ध्यान से देखना, पता तो है तुम्हें ये इक्वेशन, बस एक बार लिख देता हूं, फिर आगे के दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले नहीं बताए, वो अभी बताऊंगा। ये हो गया ए, केस वन में हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन इज व्हाट? CXHY प्लस, क्या? ऑक्सीजन, Yes, ये क्या देगा? XCO2 प्लस, हाइड्रोजन वाई है तो वाई बाय टू H2O। और ये मैंने बताया था तुमको, यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2X, X इंटू टू 2X, वाई बाय टू इंटू वन, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2X प्लस वाई बाय टू। यहां पे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन है, तो पहले क्या करो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, 2 का कितना हो गया? 1 हो गया, यस, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2 का कितना हो गया? 1 हो गया, यस नॉट? उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? यही होगा ना जनरल इक्वेशन, इजन्ट इट राइट? है कि नहीं? ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, राइट? और इसको ठीक है, ये इस तरह से होगा। केस टू, केस, अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट, हाँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यस? तो सपोज कर लो, क्या मान ले ऑर्गेनिक कंपाउंड को? CXHYOZ, ये मान सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मान ले CXHYOZ। अब इसका कंबशन कराएं, समझे? ये मान सकते हैं ना? आप देखना, ध्यान से देखना मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूं, ध्यान लगा के देखोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान नहीं लगाओगे 10 बार भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो ध्यान लगा के देखो, क्या है? CXHYOZ, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, कंबशन किया तो क्या आएगा? XCO2, ऑब्वियस सी बात है, क्या देगा? XCO2 प्लस कितना? हाइड्रोजन वाई है तो कितना हो गया ये? वाई बाय टू,
H2O, यस नॉट, इतना ही आएगा, बोलो यही होगा ना, HCO2 प्लस Y बाय टू H2O। अब क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हमें कैसे बैलेंस करना है, ध्यान दो, यहां पे कितने ऑक्सीजन, इस तरफ कितने ऑक्सीजन, 2x प्लस वाई बाय टू, है कि नहीं। ऑन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर वाई बाय टू, ऑन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 2x प्लस वाई बाय टू, बहुत ध्यान देना, ठीक है। यहां पे कितने हैं, दो और z, z प्लस टू, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, z प्लस टू। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अगर मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बात को सुनना ध्यान से, मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी क्या हो गया, अभी कितने ऑक्सीजन हो गए, यहां पे 2x प्लस वाई बाय टू है, यहां पे कितने z है, यस। तो अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दे, 2x प्लस वाई बाय टू माइनस जेड, बताओ, देखो 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 क्या होगा, यहां पे कितने ऑक्सीजन, 2x प्लस वाई बाय टू ऑक्सीजन है, इसको यहां पे कितने ऑक्सीजन बताओ, यहां पे कितने ऑक्सीजन बताओ, 2x प्लस वाई बाय टू माइनस जेड, और यहां पे कितना ऑक्सीजन है, जेड, ऐड करो कितना आ जाएगा, 2x प्लस वाई बाय टू आएगा कि नहीं आएगा, बैलेंस हुआ ऑक्सीजन, बैलेंस हुआ ऑक्सीजन, बताओ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या करेंगे, 2x प्लस वाई बाय टू माइनस जेड इंटू हाफ ओ टू, ऐसे ही होगा, समझ में आया किस तरह से बैलेंस किया, ये माइनस जेड क्यों किया, वेरीफाई कराया ना, क्लियर हो गया, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी एक्स एच वाई ओ जेड, तो अगर सी एक्स एच वाई ओ जेड का कंबशन कराया तो आएगा तुम्हारा सीओ टू और एच टू ओ ही आएगा, सी एक्स एच वाई ओ जेड का कंबशन कराया तो सीओ टू और एच टू ओ ही आएगा। बैलेंसिंग देख लो जरा, जनरल फॉर्मूले का बैलेंसिंग मैंने कैसे किया, क्लियर हो गया अभी सबको, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बोलो, क्या रिपीट करें, ओमकार, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे ऑक्सीजन कितने, पहले कार्बन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस किया, कार्बन एक्स है तो यहां पे एक्स सी ओ टू लगा दिया, हाइड्रोजन कितना वाई है, यहां पे टू था तो यहां पे वाई बाय टू लगा दिया, यस, तो कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ, यस। अभी यहां पे ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर से टू एक्स आया, इधर से वाई बाय टू आ गया, तो इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, इस तरफ ऑक्सीजन है 2x प्लस वाई बाय टू, यस। इधर पे कितना है, z है, z ऑलरेडी है, 2x प्लस वाई बाय टू में से z ऑलरेडी इधर है, तो बचा हुआ कितना है, इधर पे 2x प्लस वाई बाय टू है और यहां पे z ऑलरेडी है, बचा हुआ यहां पे बैलेंस करना है, तो कितना बैलेंस करना है, ये O2 था, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे एक ऑक्सीजन हो गया, यस, तो एक ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद कितना बचा, 2x प्लस वाई बाय टू में से z ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कितना बचा, 2x प्लस वाई बाय टू माइनस z इनटू हाफ O2, सिंपल। अभी वेरीफाई कर लो ना, इस तरफ ऑक्सीजन देखो, यहां से कितना ऑक्सीजन जेड और इधर से कितना ऑक्सीजन, 2x प्लस वाई बाय टू माइनस जेड, क्योंकि हाफ ओ टू मतलब एक ऑक्सीजन ना, इंटू 2x प्लस वाई बाय टू माइनस जेड, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जेड और जेड कट जाएगा, तो इधर भी कितना आ गया, 2x प्लस वाई बाय टू, और इधर भी कितना आ गया, 2x प्लस वाई बाय टू, ठीक है, समझ में आया अभी, गौरव, संस्कार, ओमकार, गौरव, संस्कार, ओमकार, समझ में आया, क्लियर, राइट।
नाउ नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वी हैव केस थ्री, नाउ वी हैव केस थ्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी एच एच वाई एन जेड लिख सकते हैं इसको, सी एच एच वाई एन जेड ऐसा लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यस, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज सी एच एच वाई एन जेड, राइट। अगर ये सी एक्स एच वाई एन जेड लिख दिया तो इसको बैलेंस करें, भी कंबशन कराएं, कंबशन कराया जाएगा तो क्या होगा, सी एक्स एच वाई एन जेड प्लस ऑक्सीजन, ये क्या देगा, ये क्या देगा, कार्बन कितना एक्स है, तो यहां पे क्या करें, एक्स सीओ टू आएगा, तो बैलेंस कार्बन प्लस ये हो गया एक्स सीओ टू प्लस कितना हो गया वाटर आएगा, हाइड्रोजन वाई है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, तो यहां पे क्या करोगे, वाई बाय टू प्लस, मैंने बताया नाइट्रोजन निकल के किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, सीधा नाइट्रोजन ही रहेगा, अभी असम्पशन में लिखवाया मैंने, नाइट्रोजन विल नॉट कंबाइन विद एनी अदर गैस, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के फॉर्म में रहेगा, वो एन टू के फॉर्म में रहेगा, यस। और यहां पे कितना आ जाएगा, जेड बाय टू, जेड बाय टू टाइम्स ऑफ एन टू, ठीक है। अभी फिर से क्या करना है, साक्षी देखो आप ध्यान से, फर्स्ट वाला केस के जैसा ही है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फर्स्ट वाले केस के जैसा ही है, अभी ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहां पे कितने ऑक्सीजन, यहां पे कितने ऑक्सीजन, 2x प्लस y बाय टू, 2x इधर से y बाय टू इधर से, इधर पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, यस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो 2 ऑक्सीजन का कितना बन गया, 1 ऑक्सीजन बन गया। अब यहां पे 1 ऑक्सीजन, यहां पे 2x प्लस y बाय टू ऑक्सीजन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x प्लस y बाय टू से मल्टीप्लाई करोगे ना, हो गया बैलेंस, समझे क्या, क्लियर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, राइट। अबे अभी तो बताया यार केस थ्री, लिख के होता नहीं, कहते रिपीट करो, क्या तरीका है, ये सोते रहते हो क्या जब मैं पढ़ाता हूं, तो लेक्चर मेरा 3 घंटे करा दो, मैं हर चीज 2-2 बार बताऊंगा, 3 घंटे बता करा दो मेरा लेक्चर, एक चीज 3 बार बताऊंगा, लिख के होगा नहीं, रिपीट करो, अरे यार अभी बताया मैंने, तुरंत अभी बताया, दिस बिकम्स हाफ, 2x प्लस y बाय टू ओ टू, यस। तो थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में अगर हाइड्रोकार्बन के पास, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, सी एक्स एच वाई एन जेड। तो अगर सी एक्स एच वाई एन जेड का कंबशन किया तो क्या करेंगे, सी एक्स एच वाई एन जेड प्लस ऑक्सीजन,
कंबशन भी क्या देगा, CO2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन। अभी हमने असम्पशन लिखा कि नाइट्रोजन जो है किसी भी गैस के साथ कंबाइन नहीं करता है, तो जो एनजेड है वो नाइट्रोजन के फॉर्म में निकलेगा, ये किसी भी गैस के साथ कंबाइन नहीं करेगा। बैलेंस करो, कार्बन कितना एक्स है, ये कितना हो गया एक्स बाय टू, हाइड्रोजन कितना वाई है, यहां पे कितना आ गया वाई बाय टू, नाइट्रोजन जेड है, इधर पे एन टू है, ये कितना आ जाएगा जेड बाय टू। अब ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, ऑक्सीजन ये यहां पे एक्स बाय टू नहीं होगा, टू एक्स होगा। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, टू एक्स प्लस वाई बाय टू, ऑक्सीजन यहां पे है टू एक्स प्लस वाई बाय टू। यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं, यहां पे एक ही ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, ओ टू, मतलब दो ऑक्सीजन आइटम हो गया, सी एक्स एच वाई एन जेड। तो यहां पे क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू दिस, एक ऑक्सीजन हो गया, तो अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ऑक्सीजन, और यहां पे कितने 2x plus y by 2 ऑक्सीजन, तो क्या कर दोगे 2x plus y by 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन आएगा सर यहां पे। यहां पे 2x आएगा, है कि नहीं, क्लियर हुआ, कल्पेश क्लियर हुआ, केस 3, कल्पेश को केस 3 क्लियर हुआ, राइट, क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बोलो, नो डाउट, पक्का, ठीक। लास्ट केस 4, केस 4, केस 4 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन हाइड्रोजन सल्फर। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन हाइड्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, यस, ये सब है कि नहीं, तो क्या फॉर्मूला बना दे इसका, इसको फॉर्मूला बता दे, सी एक्स एच वाई एच जेड और एन पी, ये सब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यस, जनरल फॉर्मूला कंबशन कराए इसका, सी एक्स इसका कंबशन कराए, देखना क्या इक्वेशन आएगा, सी एक्स एच वाई नाइट्रोजन विल बी फॉर्म्ड एज एन टू, कार्बन विल बी फॉर्म्ड एज सीओ टू, सल्फर विल बी फॉर्म्ड एज एसओ टू, सल्फर विल बी इवॉल्व्ड एज एसओ टू। ध्यान से देखो, कंबशन कराओगे, कार्बन से सीओ टू बन गया, नाइट्रोजन है तो एन टू ही आएगा, नाइट्रोजन किसी से भी कंबाइन नहीं करेगा, सल्फर है तो सल्फर एसओ टू के फॉर्म में निकलेगा कंबशन में, यस नॉट, यस नॉट, सल्फर जो है वो एसओ टू के फॉर्म में निकलेगा कंबशन करने पर, ये बात को ध्यान रखो, नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो एन टू के फॉर्म में निकलेगा कंबशन करने पर, कार्बन है तो वो सीओ टू के फॉर्म में निकलेगा, सल्फर है तो वो एसओ टू के फॉर्म में निकलेगा कंबशन करने पर, सल्फर जो है वो एसओ टू के फॉर्म में निकलेगा, यस नॉट, राइट, कंबशन करने पर सल्फर जो है वो एसओ टू के फॉर्म में निकलेगा, तो सी एक्स एच वाई एस जेड एन पी। अब देखना ध्यान से, प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव, ध्यान देना, सीओ टू प्लस एच टू ओ, सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट सल्फर कंबशन करने पर एसओ टू के फॉर्म में निकलेगा, और नाइट्रोजन जो है वो, यस, नाइट्रोजन विल नॉट रिएक्ट, सल्फर विल एसओ टू, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, सल्फर इसमें जो प्रेजेंट सल्फर है वो कंबशन करने पर एसओ टू फॉर्म करेगा, समझे, के ध्यान रखो,
कंबशन करने पर सल्फर जो है SO2 फॉर्म करेगा, ठीक। तो कार्बन कितना हो गया, ये एक्स आ गया, हाइड्रोजन कितना वाई है, तो यहां से कितना आ गया, वाई बाय टू आ गया, राइट। उसके बाद सल्फर SO2, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से जेड आ जाएगा, राइट। और ये नाइट्रोजन है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से P/2 आ जाएगा, यस। अब ऑक्सीजन देखो जरा क्या क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पे, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ध्यान से देखो कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीजन को। यहां पे कितना आ गया, 2x, यहां पे आ गया Y/2, यहां पे आ गया 2z, यहां पे कितना है 2, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन गया 1, यस। उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन कितना, 2x, Y/2 और 2z, सीधा सीधा 2x प्लस Y/2 प्लस 2z, सिंपल। समझे, ये हो गया 2x प्लस Y/2 प्लस 2z, समझे, क्लियर, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चंस में आए थोड़े, बोलो क्लियर हुआ क्या। वो तो Y/2 होगा इसका, ये Y लिया है, यहाँ पे H2O आया है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए Y/2 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे वाई हाइड्रोजन, तो Y/2 लगाओगे तभी Y/2 × 2, तभी वाई हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी वाई हाइड्रोजन, ठीक है। हो गया, राइट। आगे बढ़े हुए, अब क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या दे रहा हूं क्वेश्चंस में। ये कल मैंने टेबल दिया था, अब जो क्वेश्चंस आएंगे, ये जो मैंने बताया है कि डेल्टा एनजी नेगेटिव मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, डेल्टा एनजी पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, वो सारे टर्म्स आएंगे, उनको हमें यूज करना पड़ेगा, समझे क्या। और ये टेबल का अब ये यूज होगा, ध्यान से देखना, मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे वैसे करो मेरे साथ, ठीक है। चलो मैं सवाल लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं सीधा बता रहा हूं क्या कह रहा है। 10 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO CH4 नाइट्रोजन वॉज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन
एक्सप्लोरेड विद मतलब रिएक्टेड विद एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गेव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉट 6.5 ml. Gave a contraction of 6.5 ml. समझेगा? Right. फिर उसके बाद there was a further contraction, there was a further contraction of 7 ml when residual gas was treated with KOH. बात को सुनना ध्यान से. What is the composition of the original mixture? Yes. What is the composition? What is the composition of original mixture? Question लिखो पहले. हुआ? बात को सुनना बहुत ध्यान से, बात को बहुत ध्यान से सुनना. हाँ ठीक है. चलो देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 ml है मिक्सचर ऑफ COCH4 एंड N2. यस. तो देयरफॉर शुरुआत कैसे करी जाएगी, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, जैसा समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझो. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ CO स्टार्टिंग में एट स्टार्ट, वॉल्यूम ऑफ CO प्लस वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ N2. ये क्या बोल रहा है, 10 ml बोल रहा है. यस. तो यहां से ये मान लो कि वॉल्यूम ऑफ CO मान लो AML, वॉल्यूम ऑफ CH4 मान लो कितना, BML. यस. एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया 10 माइनस ए प्लस बी, यही होगा. बोलो यही होगा, मान सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ CO मान लो AML, मान लो वॉल्यूम ऑफ CH4 मान लो BML मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 10 माइनस ए प्लस बी. अब क्या कहा जा रहा है, स्टार्टिंग में द मिक्सचर इज मेड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेव 6.5 ml कॉन्ट्रैक्शन. यस. इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने जो मिक्सचर है CO को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, तो CO रिएक्ट होगा कंबशन हो जाएगा तो CO2 बन जाएगा, CH4 रिएक्ट होगा कंबशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O आ जाएगा. यस नॉट गेटिंग ना, H2O लिक्विड आएगा. राइट. बिकॉज क्या कह रहा है, इट गेव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml. राइट.
एंड नाइट्रोजन तो रिएक्ट करेगा नहीं, नाइट्रोजन तो रिएक्ट करेगा नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया नाइट्रोजन में नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द गैसेस। यस, तो क्या होगा, देखना बहुत ध्यान से, देखना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यस, जस्ट पे अटेंशन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना बात को। फर्स्ट, ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो CO विल गिव, क्या गिव्स, CO2, CH4 गिव्स CO2 एंड H2O ऑन कंबशन। Yes, not. And nitrogen will not react. Nitrogen जो है, this will not react. है कि नहीं? Nitrogen जो है, this will not react. बताया था ये? Yes. अब चलो देखो क्या हो क्या रहा है। इसमें कहा गया, this gives a contraction of 6. Combustion करने पर contraction of 6.5 ml आ रहा है। उसका मतलब क्या है वो समझाता हूं। चलो हुआ गया, ये लिखा गया, हाँ नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, मैंने लिख कर दिया नाइट्रोजन विल नॉट रिएक्ट। यस, तो सुनना बात को, अब क्या कह रहा है, चलो पहले कंबशन हो रहा था, कंबशन कराते पहले, कंबशन बात कर रहे हैं तो कंबशन कराया जाए पहले। यस, तो क्या होगा, पहले कंबशन ऑफ CO, क्या होगा कंबशन ऑफ CO में, कंबशन ऑफ CO में क्या होगा, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स व्हाट, CO2 गैस। मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये क्या है, ये AML है, AML को ऑक्सीजन कितना लगता है, AML को ऑक्सीजन कितना लगता है, A/2 ml ऑक्सीजन लगेगा, AML को कितना ऑक्सीजन लगेगा, A/2 ml लगेगा ना, और ये CO2 कितना आएगा, CO2 कितना आएगा, AML आएगा कि नहीं आएगा, ये खत्म हो जाएगा स्टार्टिंग में, ये रहेगा और ये कितना आएगा, ये AML आएगा स्टोकियोमेट्री के हिसाब से ना। यस नॉट राइट, फिर भी बात को सुनना ध्यान से, सुनो, कंबशन ऑफ CH4, कंबशन ऑफ CH4 इस तरह से CH4 का कंबशन होगा, CH4 गैस प्लस, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O। अब ये बात हमको समझ नहीं आ रही है, हमको ये बात समझ नहीं आ रही है कि H2O को लिया क्या जाए, लिक्विड लिया जाए कि गैस लिया जाए। यस नॉट राइट, H2O को क्या लिया जाए, लिक्विड लिया जाए या गैस लिया जाए। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब कभी भी क्वेश्चन में कंबशन करने पर, हाइड्रोकार्बन गैस का कंबशन करने पर कहा जाए देयर अकर्स कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, तो वो समझ जाओ कि वो तुमको इंडिकेशन दे रहा है कि H2O लिक्विड फेज में आया है। क्योंकि जब H2O गैस बनेगा तो तुम, तब तो तुम उम्मीद नहीं कर सकते कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम होगा,
अगर H2O गैस बनेगा तब तो तुम उम्मीद नहीं कर सकते ना, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना कि वो H2O का कुछ तो होने वाला है। सॉरी, अगर H2O गैस के फॉर्म में आएगा तब तो तुम ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम होगा। यस, H2O लिक्विड है, तुम गैसेस को रिएक्ट करा रहे हो, तुमको लिक्विड मिल रहा है, तब 100% श्योर शॉट है कि कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम हो रहा है। कंबशन करने पर कभी भी सवाल में आ गया कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, मतलब समझ जाओ कि जो कंबशन करने पर हाइड्रोकार्बन के कंबशन से जो H2O आ रहा है वो लिक्विड फेज में आ रहा है। समझे क्या? है कि नहीं? राइट, अभी मैं ये पॉइंट लिखवा के देता हूं, ये वाला पॉइंट मैं लिखवा कर देता हूं, ये पॉइंट मैं लिखवा कर देता हूं, राइट, क्योंकि हमको दिया गया है कि एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन गेव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि H2O जो है लिक्विड में है। मैं यहां पे ऐसा लिखवा कर देता हूं, हिंदी में लिखवा के देता हूं कि जब कभी कंबशन होने पर H2O फॉर्म हो रहा है, और दिया गया है दैट देयर अकर्स कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, कंबशन करने पर H2O फॉर्म हो रहा है और दिया गया है, H2O को अच्छे से लिख देता हूं, कंबशन करने पर H2O फॉर्म हो रहा है और दिया गया है देयर अकर्स कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, देन H2O मस्ट बी प्रेजेंट एज लिक्विड। H2O मस्ट बी प्रेजेंट एज लिक्विड। बात समझे क्या? क्योंकि जब H2O गैसेस के कंबशन से तुमको लिक्विड आ गया, वो 100% श्योर है कि वो पक्का कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ही है भाई, है कि नहीं? गैसेस के कंबशन से तुमको एक कंपोनेंट लिक्विड आ गया, देन इट इज 100% श्योर कि वो पक्का कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, वो लिक्विड बनने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यस, तो बी हमारे पास कितना था? बी हमारे पास था, सॉरी, CH4 हमारे पास था ml, ये कितना लगेगा? ये लगेगा 2 bml, ये पूरे खत्म हो जाएंगे, और ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास bml, और H2O क्योंकि लिक्विड है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, क्या कहा गया? CO और CH4 का जब कंबशन किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 65 ml से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब यह हुआ, शुरुआत का वॉल्यूम, कंबशन से पहले का वॉल्यूम और कंबशन के बाद का वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो 65 ml का है। देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 65 ml। कम से पहले वॉल्यूम, कंबशन से पहले क्या क्या लिया तुमने? सीओ लिया, CH4 लिया और O2 लिया। सीओ कितना लिया? AML लिया। CH4 कितना लिया? BML लिया। O2 कितना लिया? A/2, और यहां पे कितना? 2B। यस, ये कंबशन से पहले वॉल्यूम। जब कंबशन हो गया तो वॉल्यूम कितना मिला? A+B, CO2 का वॉल्यूम A+B। तो कंबशन के बाद कितना वॉल्यूम है? A+B। कंबशन से पहले कितना वॉल्यूम है? A+B+A/2+2B। यस नॉट? तो इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम जो डिफरेंस है दैट इज 65, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड कंबशन करने पर। समझे
समझे? कंबशन करने पर दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम का क्या मतलब? वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ? इनिशियल जो है, फाइनल जो है, उनको माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। क्या समझे? है कि नहीं? फॉलो किया गया? समझ में आया? इजंट इट? तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं तो क्या बताया जाएगा? ये बताया जाएगा कि आखिरी आखिरी में पता नहीं क्या है। तुम लोग के लेक्चर में ऐसा होता है? अभी आई डोंट नो कितना सेव हुआ है। ये फुल स्टॉप क्यों मैसेज कर रहा है भाई? क्या मतलब है कि मैं रुक जाऊं? इस कोड का क्या मतलब है? डिकोड करना पड़ेगा। कोड वर्ड मैसेज कर रहा है। चलो सेव हो गया, गनीमत है। चलो तो यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे क्या बताया जाएगा? सिंस देयर अकर्स कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑन कंबशन, इट मींस वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर कंबशन, वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर कंबशन इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिफोर कंबशन। Yes or not? यही मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर कंबशन इज
लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिफोर कंबशन। यस, अब ये बताओ, ये बताओ क्या क्या है बिफोर आफ्टर कंबशन, बताओ जरा आफ्टर कंबशन क्या है तुम्हारे पास, आफ्टर कंबशन क्या है भाई? आफ्टर कंबशन वी हैव ओनली वॉल्यूम ऑफ सीओ टू, कितना आया आफ्टर कंबशन? देर इज ओनली सीओ टू ना, कंबशन बात हो सर, सीओ टू बचा ना, AML प्लस BM, यही आया कि नहीं आया, है कि नहीं? आफ्टर कंबशन क्या है? देर इज ओनली सीओ टू, AML प्लस BML, यस। बताओ जरा बिफोर कंबशन क्या है? बिफोर कंबशन बोलो क्या है? बिफोर कंबशन है तुम्हारे पास CO, O2, CH4, 2O2, यस नॉट? बिफोर कंबशन क्या है? CO प्लस हाफ O2, कितना? A प्लस A by 2, देन प्लस CH4 प्लस 2O2, कितना? B प्लस 2B, यस? कितना है बिफोर कंबशन? 3A by 2 प्लस 3B, यही है वॉल्यूम बिफोर कंबशन एंड आफ्टर कंबशन, यस? है कि नहीं? समझे बात? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का क्या मतलब है? देयरफॉर, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम ना, चेंज इन वॉल्यूम कितना? माइनस 65 ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो माइनस लगाओगे ना, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम कम हुआ है ना, विच इज इक्वल टू कितना? वॉल्यूम आफ्टर माइनस वॉल्यूम बिफोर, बिकॉज चेंज इज ऑलवेज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल ना, चेंज इज ऑलवेज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल ना, चेंज इज ऑलवेज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल ना, बोलो यस? तो कितना है? देर इज अ 6.5 ml, 65 नहीं सॉरी 6.5 ml, और माइनस लगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, माइनस क्यों लगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यस ना? माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, ऑब्वियसली बात है ना, आफ्टर कंबशन वॉल्यूम कम है, बिफोर कंबशन वॉल्यूम ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, तो कितना चेंज आया? माइनस 6.5 का चेंज आया, बात समझे? तो पहला इक्वेशन क्या है? माइनस 6.5 इज इक्वल टू व्हाट इज द आफ्टर कंबशन? ए प्लस बी माइनस, बिफोर कंबशन कितना है? ये पूरा ऐड कर दिया, ए प्लस ए बाय टू प्लस बी बाय टू, यस? कितना हो गया ये? 3 ए बाय टू प्लस 3 बी, थ्री ए बाय टू प्लस 3 बी, यस? यही होगा, बोलो। तो कितना आ जाएगा ये? 3 ए बाय टू माइनस ए, माइनस ए बाय टू, 3 बी, बी माइनस 3 बी, कितना हो गया? माइनस 2 बी। तो यहां से कितना आ गया अपने पास? यहां से अपने पास आ गया माइनस 6.5 इज इक्वल टू ए माइनस 3 ए बाय टू, माइनस ए बाय टू एंड बी माइनस 3 बी माइनस 2 बी, यस नॉट? तो यहां से माइनस 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 काट दे, आया समझ में? आया समझ में? क्लियर? माइनस 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 काट दूं क्या? माइनस 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 काट दूं, यस? तो यहां से माइनस 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 कट गया, तो पहला इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास? पहला पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज करूं क्या? यस? तो पहला इक्वेशन क्या आ गया अपने पास? पहला इक्वेशन अपने पास आ गया, देख लो ना, a प्लस 4b इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। पहला इक्वेशन अपने पास आ गया a प्लस 4b, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गया a बाय 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 6.5, तो पहला इक्वेशन आ गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 13, ये पहला इक्वेशन आ गया, समझे?
इज द फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव ऑब्टेन्ड. नहीं हुआ तो लिख लो जल्दी. हो गया राइट. अब देखो अब क्या कह रहा है. अब सवाल कहता है कि देयर वॉज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml. कह रहा है कि देयर वॉज अ फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml व्हेन रेसिडुअल गैस वॉज मेड टू रिएक्ट विद KOH. रेसिडुअल गैस मतलब क्या, कंबशन कर दिया उसके बाद जो गैस बचा, कंबशन करने के बाद कौन सा गैस बचा, कंबशन करने के बाद कौन सा गैस बचा, कंबशन करने के बाद सिर्फ CO2 बचा ना यार, कंबशन करने के बाद कौन सा गैस बचा. सवाल पढ़ो. सवाल कहता है कि देयर वाज अ फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml व्हेन द रेसिडुअल गैस वाज ट्रीटेड विद KOH. क्या मतलब है इसका, रेसिडुअल गैस, ये रेसिडुअल गैस किसके बाद आ रहा है, पहले तो तुमने कंबशन करा दिया, उसके बाद कंबशन करने के बाद रेसिडुअल गैस was treated with KOH, so there was further combustion of, there was further contraction of 7 ml. Yes. So after combustion, what is the residual gas? Combustion तुमने कराया, combustion तुमने कराया, किसका किसका combustion कराया तुमने, तुमने combustion कराया CO का और CH4 का. Nitrogen तो react नहीं हुआ, nitrogen तो react नहीं हुआ भाई. Yes or not? Nitrogen तो as it is कितना, 10 minus A minus B. Yes. Combustion करा दिया तो CO खत्म हो गया, CH4 खत्म हो गया. यस yes. क्या बचा, CO2 बचा और नाइट्रोजन बचा. यस yes. तो रेस्टुअल गैस क्या है, CO2 और नाइट्रोजन. फिर तुम इस रेस्टुअल गैस को पास करा रहे हो KOH से, तो मैंने कल ही बताया KOH क्या करेगा, KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, देखो जरा टर्न द पेजेस. देखो मैंने कल ही बताया KOH से पास करा रहे तो देयर वाज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन. तो क्यों कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि KOH कुछ तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना. ये देखो ये NaOH या KOH, जितने भी आश्रित गैस हैं, CO2, SO2, SO3, N2O3 सबको एब्जॉर्ब करेगा. तो अपने पास क्या है, CO2 है ना, तो KOH क्या करेगा, CO2 का एब्जॉर्ब लेगा. यस. तो देयर वाज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml. तो वो 7 ml का कॉन्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया. तो CO2 जितना वॉल्यूम CO2 एब्जॉर्ब होगा उतना कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा. बात समझे ना, जितना वॉल्यूम CO2 एब्जॉर्ब होगा उतना कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा. यस गेटिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चलो देखो, आफ्टर कंबशन गैसेस लेफ्ट, रेसिडुअल गैसेस और गैसेस लेफ्ट, क्या CO2 गैस कितना, A+ BML राइट, एंड उसके बाद नाइट्रोजन गैस, यस कितना, 10 - A+ BML राइट. अब क्या कह रहा है, दिस रेसिडुअल गैस वॉज मेड टू पास थ्रू KOH. दिस रेसिडुअल गैस दिस वॉज पास थ्रू KOH. यस नॉट, पास थ्रू KOH. KOH क्या करेगा, CO2 एब्जॉर्ब, समझे क्या, CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH. CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH. यस. तो लास्ट में क्या बचा, देयरफॉर नाइट्रोजन लेफ्ट ना, 10 माइनस
ए प्लस बी एम एल। यस, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलोगे? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू -7 ml ना, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर माइनस वॉल्यूम बिफोर, यस, पासिंग KOH। तो व्हाट वाज वॉल्यूम आफ्टर पासिंग KOH? ओनली नाइट्रोजन वाज लेफ्ट। व्हाट वाज वॉल्यूम बिफोर KOH? नाइट्रोजन प्लस CO2। अब यहां की ना, यस और नॉट? तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था? 7 ml था कि नहीं था? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था? 7 ml था कि नहीं था? यस। चलो इसको नेक्स्ट पेज में चले, नेक्स्ट पेज में चले। अब नेक्स्ट पेज में चले। तो इसका मतलब क्या है? ये कितना हो गया? -7 ml इज इक्वल टू आफ्टर पासिंग KOH क्या बचा? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, यस, माइनस बिफोर पासिंग थ्रू KOH क्या था? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, यस। तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया यहां से? वॉल्यूम ऑफ CO2 माइनस वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू -7 ml। तो कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू ए प्लस बी एम एल, विच इज इक्वल टू 7 ml। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ गया यहां से? सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना? 7 ml। यस, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आ गया ना, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 10 - a + b, विच इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3 ml, क्योंकि ए प्लस बी तो 7 ml आ गया ना, ए प्लस बी आ गया ना 7 ml। जल्दी देखो प्रीवियस स्लाइड, अभी ए और बी में दो इक्वेशन आ गए, एक आगे ए प्लस 4 b इज इक्वल टू 13 और एक आगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। यस, सॉल्व करो, ए प्लस 4 b इज इक्वल टू 13 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये कट जाएगा, 4 b - b कितना हो गया? 3 b। 13 - 7 कितना हो गया? 6 हो गया, विच इंप्लाइज बी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। यस, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ए प्लस बी 7 है ना, तो ए का वैल्यू आ गया 5। यस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ CO विच इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 5 ml, वॉल्यूम ऑफ CH4 विच इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू 2 ml एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू 3 ml। आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, समझे क्या? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब चलो एक क्वेश्चन दे दूं लास्ट, फिर बंद करते हैं। ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन कराया, समझ में आया क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम, प्रोसेस से बाद और प्रोसेस से पहले वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द चेंज। कॉन्ट्रैक्शन है तो माइनस लगा देना, एक्सपेंशन है तो प्लस लगा देना। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मतलब क्या? चेंज इन वॉल्यूम ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोसेस से बाद क्या वॉल्यूम है, प्रोसेस से पहले क्या वॉल्यूम है? यस नॉट? राइट। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं,
क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ Cl2 गैस 2.8 लीटर्स एंड हाइड्रोजन गैस 3 लीटर वॉज एक्सप्लोडेड इन अ यूडियोमीटर ट्यूब। समझे क्या? कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इफ ऑल मेजरमेंट्स आर डन अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। बस ये लिख लो, ये ट्राई करना, कल डिस्कशन करेंगे, कल कुछ और सवाल करेंगे गैसेस वाले, ठीक है? कल कुछ और सवाल कराऊंगा गैसेस के, राइट? चलो बंद करें, देखो प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, लीव कर सकते हो गया तो लीव कर दो, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सेकेंड प्रीवियस स्लाइड, ठीक, फिर लास्ट स्लाइड। बाय।